नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो आप उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते होंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर को आप यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको विंडोज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके लैपटॉप या पीसी के साथ ही आता है। हम कभी भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादातर ध्यान आता है मोजिला का आता है या फिर गूगल क्रोम का आता है। लेकिन अभी आपको एक नया फीचर्स मिलेगा आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो कि विंडो की तरफ से लॉन्च किया गया है। आप उसको देखेंगे तो आप मोजिला या फिर क्रोम को भी भूल जाएंगे। नए फीचर्स लेस एकदम ये डिजिटल है। आप इसको जरूर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में अपग्रेड करें, क्योंकि अपग्रेड का जो है मैसेज किसी किसी के पास आया है या फिर किसी किसी के पास नहीं आया है। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहां पर लिंक दे दिया है। और दोस्तों, इस नए वर्जन के बारे में आप किस तरह से इसको इंस्टॉल या फिर किस तरह से आप इसको यूज करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको यूज करना है और क्या क्या फीचर्स इसमें आए हुए हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपली बता दिया, क्योंकि फीचर्स के बारे में आप किसी भी ब्राउजर के फीचर्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादातर उसमें क्या करते हैं, डाउनलोड सर्च, बस यही दो तीन काम होता है। तो इसमें मैं आपको क्या कौन सी ज्यादा जानकारी दे सकता हूँ, आप भी इसको बस अपग्रेड कर लीजिए, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको इसमें क्या क्या नए फीचर्स मिले हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। अभी आप अगर इसको अपग्रेड करके देखेंगे, आपको इस तरह का सिंबल आता रहेगा जैसे कि आपके विंडोज के मेनू बार में या फिर टास्क बार में दिखाई देता है। अभी आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा जो सिंबल है। तो बहुत ही डिजिटल और बहुत ही फीचर्स लेस है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं किस तरह से आप इसको यूज करेंगे और कैसे आपको इसको अपग्रेड करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने ये ओपन हुआ है, मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज है। देखिए, अभी इसका आइकन भी कुछ इस तरह से दिखा रहा है। आपको अगर एक न्यू आइकन चाहिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, द न्यू एज, आपको इसको कैसे यहाँ पर इंस्टॉल करना है मैं आपको बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एज सेटअप, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। सर्च करेंगे गूगल पर भी मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ज्यादा नहीं है, बस देखिए ये 1.5 MB का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या 2 MB कह सकते हैं। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और करने के बाद आप इसको डबल क्लिक से लॉन्च कर लीजिए। अभी कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको मैसेज, तो आपको यहाँ पर यस करना होता है। जैसे ही यस करेंगे, अभी मैं इसको कट कर देता हूँ, इसका हमारा काम खत्म है। आपके सामने देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये डाउनलोड करेगा, ठीक है, आपका वो इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, उसके बाद ये डाउनलोड होगा, ठीक है। टोटल 3 मिनट का टाइम है इसको, 3 से 4 मिनट या 5 मिनट लगेगा, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी फ्रेंड्स देखिए हमारा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लोज एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चालू है इसका अपडेट, ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट एज लिख रहा है। बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप अपनी स्क्रीन को इस तरह से ऑटोमेटिकली चेंज करना चाहते हैं, देखिए बैकग्राउंड हमारा, तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही छोटा वीडियो है, आपका बैकग्राउंड अच्छा दिखेगा। ये जो है स्क्रीन, होम स्क्रीन जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। हर समय में चेंज होते रहता है, आप इसको जरूर यूज करिए। ये देखिए हमारा हो चुका है, ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया और यहाँ पर भी देखिए चेंज हो चुका है, ठीक है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं और इसको ओपन करेंगे तो आपको एक अलग ही लुक दिखेगा। अभी देखिए यहाँ पर सिंबल भी दिखा रहा है, इससे आपने इसमें कन्वर्ट किया है, अब आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा और अच्छा इसका लुक लगेगा आपको। आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट साइनिंग करूंगा। अभी देखिए इसका लुक किस इस तरह से है, देखिए इसको कट कर दीजिए, क्योंकि ये इसके बारे में बताया हुआ है इस तरह से। आप अभी जैसे एकदम सेम क्रोम के जैसा हो गया है, आप यहाँ पर एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, फाइंड योर फेवराइट, मतलब फेवराइट आपका कुछ है तो वो भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से इसको कट कर दीजिए, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, नया लॉन्च कर लीजिए।
ये उसी के बारे में बता रहा है। देखिए न्यू टैब में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए, देखिए कुछ इस तरह से देख रहे हैं, अभी एकदम नया हो गया है, आप बस इसको अपडेट कर लीजिए अगर आपके पास पुराना वाला है, सिंपल है। तो दोस्तों जैसा कि देखा मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को अपग्रेड कर लीजिए जिससे कि आपको बहुत सारे फीचर्स का आनंद मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होती है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।